जिंदगी का सफर एक सुहाना होता है और आप सबसे दूर रहते हैं भैया तो बिल्कुल मन ही नहीं लगता है। तो सलाम नमस्ते, मैं हूँ दिलीप कुमार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आभार है, अभिनंदन है हमारे चैनल ट्रेवल विद दिलीप में। तो हमने एक राइडिंग किया था बेली रोड से सरारी गुमटी तक जो कि अधूरा था, तो अभी हम खड़े हैं सरारी गुमटी के पास में और यहाँ से आज बीटा का राइडिंग करने वाले हैं। तो मतलब कि बार बार एक ही चीज़ दिखाते रहे, तो आज राइडिंग होगा सरारी से बीटा तक का। तो आप लोग को दिखाते हैं कि राइडिंग में क्या कुछ होता है। एक राइडिंग हमने किया है वाया मनेर होकर के, लेकिन आज हम चलेंगे कन्हौली पैनाल होकर के। चलिए इस राइडिंग को भी आप लोग इंजॉय करिए, चलिए राइडिंग स्टार्ट करते हैं। तो दानापुर के सरारी गुमटी से हमारा राइडिंग जो बीटा तक का जो अधूरा था वो अब पूरा होने वाला है और राइडिंग अपनी शुरू हो चुकी है। और राइडिंग में हम क्या कुछ आपसे बातें करेंगे, कुछ कुछ हम आपको जो है रोड सेफ्टी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा। और रोड की हालत आप देखिए, ऐसा रोड आप देख सकते हैं कि मतलब कहीं पर भी आपको जो है यहाँ पर जो है टूटा फूटा आपको रास्ता नहीं दिखेगा। काफ़ी ज़बरदस्त रास्ता है आपको दानापुर से जो बीटा का जो रास्ता ये बनाया गया है, जो कि कन्हौली पैनाल होकर के हम जाते हैं बीटा, आपको इसमें कहीं पर भी आपको जो है जर्किंग नहीं दिखेगा। आज से 2-3 साल पहले इस रास्ते का कंडीशन काफ़ी ख़राब था, लेकिन अभी आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन रास्ता बन चुका है। और ये दोनों तरफ जो ये तार का पेड़ लगाया गया है, अब काफ़ी कम जगहों पर जो है आपको जो है इस तरह का तार का पेड़ आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि अब न के बराबर ही आपको जो है अब दिखेगा तार का पेड़। और सड़कें की आप हालत देखिए कितना अच्छा है, मतलब कि काफ़ी पक्की सड़क है। और यहाँ से बीटा अगर आप अपने बाइक से जा रहे हैं मेरे तरह, तो आप जो है मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में आप जो है पहुँच जाएंगे बीटा, क्योंकि सड़क काफ़ी अच्छी है और इस पर जाम भी काफ़ी कम लगता है। तो अगर आप बीटा जाते हैं तो वो एक जो है मनेर वाला जो हमने पहले राइड किया था आप उससे भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें जो है शेरपुर के पास में थोड़ा सा जाम लगता है, लेकिन इस वाले रास्ते में आपको जो है जाम नहीं मिलेगा। अगर कभी कदाल जाम मिल जाए तो वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अधिकांश आपको इस रास्ते में आपको जाम नहीं मिलेगा। जी हाँ, काफ़ी ज़बरदस्त रास्ता है ये दानापुर से बीटा तक का। और सबसे पहली बात तो कि ये रास्ता कहीं पर टूटा फूटा नहीं है, काफ़ी पक्की सड़क है। और अगर आप चलते हैं इस रोड पर तो हमेशा इसका ध्यान रखें कि हेलमेट लगा करके, और अभी कोरोना का पीरियड है तो अभी मास्क भी लगा करके चलिएगा। और आप सभी से बातें करते करते हम पहुंच गए सिमाला पर, और ये लड़का देखिए साइकिल कैसे अभी चला रहा था। इस तरह से रोड पर जो है गाड़ी या साइकिल जो भी आपका वाहन है उसको ऐसे नहीं चलाना है, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और सिमाला पर जो चौक है यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो आप यहाँ से नेवड़ा जा सकते हैं, सराय जा सकते हैं, कठौतिया जा सकते हैं, तो हर जगह आप जो है सिमाला चौक से जा सकते हैं। जी हाँ, और इस रास्ते से आप जो हैं मतलब कि आप जो हैं आरा भी जा सकते हैं, बक्सर भी जा सकते हैं, और बक्सर के साथ साथ आप जो हैं सासाराम भी निकल सकते हैं। तो हर जगह जाने के लिए ये जो रास्ता है काफ़ी बेहतर है। और यहाँ से अगर हम आरा की बात करें तो वही 25 से 27 किलोमीटर का डिस्टेंस है पटना से, तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं। हालांकि आपको कोइलवर होकर के जाना पड़ेगा, कभी मैं होऊंगा तो मैं आरा तक का भी राइड करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा। और फिलहाल आप देख सकते हैं आपको दोनों तरफ आपको जो है कुछ भी आपको काफ़ी जो है कम घर यहां पर दिखेंगे, यहां पर जो है न के बराबर आबादी आपको दिखेगी। और दोनों तरफ ये जो है रास्ता जो है काफ़ी कम्फर्टेबल है, और कहीं पर भी आपको अभी तक आपको जर्किंग इसमें नहीं दिख रहा होगा। जी हाँ, अगर आप इस रोड पर चलते हैं तो आपको जो है जर्किंग काफ़ी कम दिखेगा। और टर्निंग पर हमेशा सावधानी पूर्वक ही क्या करें, गाड़ी को टर्न करें। कुछ लोग क्या करते हैं, तेज़ी में ही गाड़ी को टर्न करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होने का जो खतरा है वो बना रहता है। जी हाँ, और इस रोड पर मुझे एक चीज़ की खाली कमी ये लगी कि इस रोड पर जो है शुरू से लेकर के अंत तक कहीं पर भी जो है डाइवर्सन नहीं है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कहीं पर भी डाइवर्सन आपको इसमें नहीं दिख रहा होगा। तो इस रोड पे एक्सीडेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ज़्यादातर रात के समय। अब एक्सीडेंट क्यों होता है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, एक्सीडेंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि ओवरटेक करते हैं गाड़ियों को। तो
कभी भी गाड़ी को जो है ओवरटेक तो पहले करना ही नहीं चाहिए, अगर आप करते भी हैं तो थोड़ा सा सावधानीपूर्वक। लेकिन लोग जो है काफ़ी तेज़ गति से आते हैं और ओवरटेक करते हैं, जैसे कि वो मारुति कार को आप देख रहे होंगे, ऐसे अगर ओवरटेक आप करते हैं तो आप निश्चित ही हादसे का शिकार हो जाएंगे। जी हाँ, तो इस तरह से कभी भी रोड पे गाड़ियों को जो है ओवरटेक नहीं करना चाहिए, और टर्निंग पे हमेशा अपने गाड़ी का स्पीड जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल रखें और आप जो है रोड को जो है टर्न करें, कभी भी हाई स्पीड में रोड को टर्न ना करें। लेकिन आप रास्ता देख सकते हैं काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छा है, मतलब कहीं पर भी आपको जर्किंग इधर नहीं दिख रहा होगा। जी हाँ, और इस रास्ते में आपको हर 1 से 2 किलोमीटर पर आपको जो है पेट्रोल टंकी, खाने पीने का जो होटल ढाबा ये सब भी आपको मिल जाएगा। और रोड को अगर आप क्रॉस करते हैं तो दोनों तरफ देख करके रोड को क्रॉस करें, तो खाने पीने का भी कोई टेंशन नहीं, आपको हर जगह यहाँ पर जो है हर से 1 से 2 किलोमीटर पर आपको खाने पीने का जो है चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आपसे बातें करते करते हम पहुँच गए हैं कन्हौली, और थोड़ा आपको कन्हौली का मार्केट भी आपको दिखा देते हैं। तो यही आपका कन्हौली का मार्केट है, जो कि लकड़ी का मार्केट आप देख सकते हैं, आसपास की आप दुकानें देख सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाते हैं और भी कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पेट्रोल टंकी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और सामने भी आप देख सकते हैं रोड के दूसरे साइड भी, उधर भी आपको जो है मार्केट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, छोटे मोटे जो भी आपको सामान लेने हैं सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ तक कि सब्जी वब्जी सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ, मैं ये कन्हौली का मार्केट ही मैं ये क्रॉस कर रहा हूँ अभी, ठीक है। देख सकते हैं सब लोग यहाँ पर जो है रोड पर गाड़ी को लगा करके जो है सब्जी ये सब जो भी सामान है घरेलू सामान वो लोग खरीद रहे हैं। लेकिन रोड पे गाड़ी को कभी भी खड़ा करके घरेलू सामान या ये सब कुछ ना कर दे, क्योंकि इससे आपको दिक्कत नहीं होती है, जो सड़क पे चलते हैं लोग उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और प्लस इसी कारण से जाम भी लगता है। जी हाँ, जाम भी अगर रोड पे लगता है तो हम लोग गाड़ियों को क्या करते हैं, रोड पर ही खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं कि अरे चलो काम तो मात्र 2 ही मिनट का है, लेकिन आने जाने वाले जो लोग हैं वो लोग को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो गाड़ी को हमेशा साइड में खड़ा करके ही आप जो है सब्जी ये सब जो भी आपको लेना है, और अभी हम लोग जो है कन्हौली जो मार्केट है कन्हौली बाज़ार उसे मैं पार्क कर चुका हूँ, और अब हम लोग पहुँचने वाले हैं बिशम्भरपुर, और बिशम्भरपुर का रास्ता मैं आपको दिखाऊँगा कि वहाँ का रास्ता कैसा है। और अभी तक हमने आपको दिखाया कि रास्ता अभी तक कहीं पर भी मुझे ज़्यादा ख़राब नहीं दिखा। जी हाँ, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे, और सामने आप देख सकते हैं अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, बहुत जल्द बिशम्भरपुर पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, तो हम लोग पहुंच चुके हैं बिशम्भरपुर, और ऊपर में बोर्ड लगा हुआ है आड़ा कितना पड़ेगा ये सब डिस्टेंस आप देख सकते हैं। और ये जो आप बाउंड्री देख रहे हैं ये जो है एयरफोर्स स्टेशन, जी हाँ, इसका 2 गेट है, एक तो है जो मुसेपुर गाँव की तरफ खुलता है और दूसरा है जो कि आपको बिशम्भरपुर के साइड में जो है खुलता है। तो अब हम लोग बीटा पहुँच चुके हैं, बस कुछ ही दूरी पीछे हैं बीटा से, और ये आपको जो है बिशम्भरपुर जाने का ये जो है रास्ता आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और यहाँ का भी आप देख सकते हैं रास्ता काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा है। हालांकि हर कुछ हमने आपको बता दिया, और रोड पे चलते हैं तो हमेशा जो है अगर आप बाइक से हैं तो आप हेलमेट का प्रयोग करें, अगर आप 4 व्हीलर से हैं तो हमेशा सीट बेल्ट लगा करके ही गाड़ी ड्राइव करें। जी हाँ, रोड का जो भी नियम है ट्रैफिक नियम है हर नियम को आप लोग फॉलो करें, क्योंकि हम लोग फॉलो करेंगे तभी हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा, हमारा बिहार जो है आगे बढ़ेगा। और इस रोड में ओवरटेक नहीं करें, ये मेरी आपसे नम्र निवेदन है, ओवरटेक करने से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट जो है इस रोड पे होता है, और अभी तक का जितना भी आंकड़ा लिया गया है वो सब ओवरटेक करने से ही एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है। तो बताइए कैसा लगा आपको सरारी गुमटी से लेकर के बीटा तक का हमने आपको राइडिंग दिखा दिया, और आगे बहुत लंबा जाम लगा है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, और काफ़ी लंबा जो है जाम लगा हुआ है आप देख सकते हैं, ये आरा मोड़ है बीटा का। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे और किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने भाई बहनों का ख्याल रखें, और अपने ट्रेवल विद दिलीप के साथ ऐसे ही छोटे बड़े ब्लॉग में आते रहें। जय हिंद।